देखिए, पीयूष मिश्रा एक ऐसे एक्टर है जो अपने हर किरदार में इतनी जान फूंक देते हैं कि लगता है एक जीता जागता इंसान है जिससे आप मिले हुए हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपना हर काम इसी शिद्दत के साथ करते हैं। तो उन्होंने हाल ही में एक किताब भी लिखी है जिसकी बुक रिलीज हुई। किताब का नाम आपको सुनकर थोड़ा हो सकता है आप अचंभित हो जाए, लेकिन ये पीयूष मिश्रा है और ये खुद ही से पूछ रहे हैं, तुम्हारी क्या औकात पीयूष मिश्रा। लोग बागों ने मुझे, मतलब एक जनरेशन थी जो पूरी मुझे भगवान माना करती थी, उनका भ्रम तोड़ना जरूरी था, तो उसके लिए मैंने किताब लिखी, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। सबको मालूम है कौन है, उसने बदतमीजी भी की थी बहुत, मेरा क्रेडिट नहीं दिया था मुझे, अपने राइटर को देना चाहता था, सारी पिक्चर लिखवा ली थी मुझसे। उर्वशी अधिक खतरनाक केस था, उर्वशी में तो मैं जो है बाकायदा भाग गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप पंड्या और आज मेरे साथ हैं पीयूष मिश्रा जी, जिन्हें पहचान की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि उन्हें तो हर कोई जानता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे कि उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस किताब का नाम ये क्यों। हाँ, लोग बागों ने मुझे, मतलब एक जनरेशन थी जो पूरी मुझे भगवान माना करती थी, बहुत ही महान माना देती मुझे, तो बहुत इतना महान कि मैं इतना महान हूँ नहीं, तो मैंने बतलाने के लिए उनका भ्रम तोड़ना जरूरी था, तो उसके लिए मैंने किताब लिखी तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, नंगा सत्य इसके बारे में, ये ऑटोबायोग्राफी मेरी। किताब जब आपकी शुरू होती है तो उसमें सबसे पहली बात डर की आती है, तो ये क्यों। डर होता है हर बंदे में, होता है मतलब हर बंदा जो जरा सा भी नाराज होता है उस बंदे में डर रहता है, नैसर्गिक होता है डर, हर बंदे में डर रहता है, और हर डर को लेकर हम जिंदगी भर जीते हैं, इस डर का हम निदान खोज नहीं पाते। तो बिल्कुल एंड में जो है, अगर हम इसको जो है किसी के सामने जाहिर कर दें कि हम इसलिए डरते हैं, हमारे अंदर डर इस बात का है, अगर किसी को सामने जाहिर कर दें नंगे बन के कि जो हमें किस बात का डर है, तो डर ख़त्म हो जाता है। तो मुझे इतफाक से जो है पूरी ज़िंदगी लग गई ये फैक्ट समझने में, जेस्चर करने में कि मैं डरता क्यों हूँ और मैं कुछ किस बात से डर है, और जब कर दिया तो मालूम पड़ा कि बहुत मामूली सी बात थी। इसमें मैंने ये भी जाना कि आपने कई बार अपना नाम बदला है। हाँ, नाम कई बार नहीं बदला, एक बार ही बदला है। पहले मेरा नाम था प्रियकांत शर्मा, टेंथ के बोर्ड में जो है मेरा नाम लिख कर आया मार्कशीट पर पीयूष मिश्रा, तो वो जो है मैंने चेंज कर दिया था, मतलब आपकी पुरानी चीज़ों को दफन करने के रहा था। प्रियकांत से मुझे जो है बहुत सारी पुरानी बातें याद आया करती थी, बचपन याद आया करता था, जो कि अच्छा नहीं था डेफिनेटली। एक और इंटरेस्टिंग बात इस किताब को पढ़ के हमने जानी कि इश्क खट्टा होता है, इश्क मीठा होता है, किसी के लिए इश्क अच्छा या बुरा होता है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं इश्क जिंजर भी है। जिंजर के साथ में जो है मेरे बड़ा मनोहारी इश्क था, टीचर थी मेरी, और बड़े मनोहर तरीके से जो है मेरा पहला, मैंने इसमें लिखा भी है, पहला चुम्बन जो है आपके मेरा उनसे हुआ था। आपके लाइफ के सफ़र को देखूं तो आप जब मुंबई आए तब आप ऑलरेडी शादीशुदा थे, आपका एक बेटा भी था, और उसके हाँ, और आपकी मदर भी आपके साथ थी, तो आपको नहीं लगता कि आपने बहुत देर कर दी मुंबई आने में। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है देर कर दी, लेकिन फिर बाद में नहीं भी लगता, मुझे लगता है कि जो जो काम जिस वक्त होता है वो सबसे ही होता है, तो अगर पहले आता तो पहले मेरे लिए शायद काम नहीं मिलता, जिस वक्त आया उस वक्त तक सिनेमा चेंज हो चुका था, सत्य आ चुकी थी, मकबूल से मैंने प्रवेश किया, मकबूल और मातृभूमि, वो एक ट्रांजिशन फेज था हिंदुस्तानी सिनेमा का, जब जब सिनेमा चेंज हो रहा था, जब एक्टिंग की डिमांड बढ़ गई थी, जो OTT प्लेटफॉर्म्स आने शुरू हो चुके थे, अनुराग कश्यप आ चुका था, अनुराग कश्यप के शुरुआती दौर का जो ये फेज था जबकि मैंने सिनेमा में कदम रखा। किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, आपने एक हेल्दी डायरेक्टर के बारे में जिक्र किया है, तो कौन है वो हेल्दी डायरेक्टर। नहीं, वो ज़रा सा भी जो मेरी ज़िंदगी को जानते हैं वो आराम से मालूम पड़ जाएगा उनको कि कौन है वो हेल्दी डायरेक्टर। हेल्दी डायरेक्टर इसी बॉम्बे में है, उसी ने मुझे बुलाया था पहली बार लिखने के लिए, सबको मालूम है कौन है, उसने बदतमीजी भी की थी बहुत, मेरा क्रेडिट नहीं दिया था मुझे, अपने राइटर को देना चाहता था, सारी पिक्चर लिखवा ली थी मुझसे, करीब एक साल तक मुझे बिठाया था यहाँ पर, 1.5 साल तक, और उसके बाद में मेरा क्रेडिट देने में उसने आपकी बदतमीजी की थी, तो मैंने उस बदतमीजी का जवाब अपने तरीके से, तब मैं दिमाग ख़राब था, शराबी था मैं, तो उस वक्त मैंने उसका दिमाग उसका जवाब जो है अपने तरीके से दिया, और वो तरीका बड़ा ख़तरनाक था, आज भी लोग उस तरीके को याद रखते हैं।
तो उसको टिट फॉर टैट जो है मैंने, और वो आज तक वैसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। जी आप जैसे बता रहे थे कि आपकी वाइफ भी ये बुक पढ़ रही हैं, तो उन्होंने संगिनी के बारे में भी पढ़ा होगा? हाँ, संगिनी के बारे में पढ़ा हूँ, सबके बारे में पढ़ा हूँ, उर्वशी के बारे में भी पढ़ा हूँ। उर्वशी अधिक खतरनाक केस था, बल्कि संगिनी से अधिक खतरनाक केस था। संगिनी से तो मेरे संबंध थे नहीं, वैसे भी ऐसे संबंध थे नहीं, लेकिन उर्वशी अधिक खतरनाक केस था। उर्वशी में तो मैं जो है बाकायदे भाग गया था। जी आपकी लाइफ में हेलमेट का प्रभाव अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है। हेलमेट का प्रभाव अभी तक नहीं है, हेलमेट मेरा पहला ब्रेक था। हेलमेट वॉज द टाइड चेंजर, मतलब उस ब्रेक से जो है मेरी दिशा बदल गई थी। लोग बाग मुझे एक्टर के तौर पर जानने लगे थे, तो आज भी याद करते हैं लोग बाग उसको, लेकिन हेमलेट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, कॉर्क ओपनर था मेरा हेमलेट। एक दिन पहले ही सलमान खान ने ये कहा कि OTT पर भी नियंत्रण होना जरूरी है, गाली गलौज है, फिर न्यूड सीन्स हैं, उन पर उन सब पर नज़र मतलब सरकार को भी रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए, बिल्कुल उस पर जो है सेंसर आना चाहिए। ये सब बकवास जो है जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई जंगल राज थोड़ी है साला, कि कुछ तो भी करते जाएंगे, कैसे तो भी गाली, कैसे तो भी सीन्स, और नग्न नग्न न्यूड न्यूड और अननेसेसरली, मतलब कई एक चीज़ों में तो अननेसेसरली होता है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कई एक जगह तो अननेसेसरली होता है, तो वो बड़ा ख़राब लगता है। मतलब मैं परिवार के साथ देख रहे हैं आप कुछ सीरीज़, और इतने भद्दे सीन्स आ गए, और इतने भद्दे सीन्स हैं कुछ एक तो कि मैं डिफाइन नहीं कर सकता, और बड़ी हिट सीरीज़ हैं वो। तो सच बोल देने से औकात बढ़ती है? सच बोल देने से औकात घटती तो नहीं, ये मुझे मालूम नहीं बढ़ती है, घटती तो कतई नहीं। हम डरते हैं सच बोलने से, खामखा डरते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना समय दिया और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ABP News, आपको रखे आगे।